हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैरो। आज हमारा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग का दूसरा वीडियो है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट 28 एंड वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट 27 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। We have to find the value of that expression. The expression is x plus y minus 1 upon x square plus xy plus y square. ठीक, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेंगे, बिकॉज अगर एलसीएम लेंगे तो x plus y और ये मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एज इट इज। यहां पर जो वैल्यू गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पहले हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन का ये टर्म है इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, इस तरीके से अगर एक्सप्रेशन के इस टर्म को, ये जो टर्म है इसमें मैं एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन के इस टर्म को हमने एक्स माइनस वाई से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। देन एक्स प्लस वाई माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई इंटू दिस, ये क्या होगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस विल बिकम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहां पे डिनोमिनेटर में हम x और y का ये वैल्यू डालेंगे। ठीक, तो जो क्यूब रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दोनों का पावर यहां पे क्या है, क्यूब है, और यहां पे 28 का पावर क्या है, क्यूब रूट मीन्स 28 रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 एंड हियर 27 रेज टू द पावर 1 अपॉन 3। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज क्यूब रूट 28 होल टू द पावर 3 माइनस वाई इज क्यूब रूट 27 होल रेज टू द पावर 3। क्यूब रूट 28 का पावर 3, दिस विल बी 28। कैसे, 28 का क्यूब रूट है एंड उस होल का पावर 3 है, तो 28 का क्यूब रूट का मतलब 28 रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 और इसका पावर 3। क्यूब रूट मींस रेज टू द पावर 1 अपॉन 3। तो अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं दोनों 28 रेज टू द पावर 1 बाय 3 और ब्रैकेट के बाहर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 28 रेज टू द पावर 1 बाय 3 इनटू 3, दिस विल बी 1, तो 28 आया, मतलब यहां पे क्यूब रूट है और बाहर पावर भी वही है, देन वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं एंड वी गेट 1। तो सेम हियर, यहां पर भी 27 का क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 एंड रेज टू द पावर 3। तो जिस तरीके से ये 28 बन रहा है, सिमिलरली ये भी 27 बनेगा। देन द एक्सप्रेशन बिकम्स एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन क्यूब रूट 28 रेज टू द पावर 3 इज 28 माइनस क्यूब रूट 27 रेज टू द पावर 3 इज 27। तो यहां पे डिनोमिनेटर बन गया 1, x माइनस वाई अपॉन 1 x प्लस वाई। ठीक, और जैसे ही डिनोमिनेटर 1 बन रहा है हम उसको लिखेंगे नहीं, बिकॉज 1 से डिवाइड करना हमें सेम x माइनस वाई देगा, तो 28 माइनस 27 की जगह पे 1 है जो हमने लिखा नहीं। x प्लस वाई ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन के कारण एक्स का साइन माइनस हो गया और माइनस वाई विल बिकम प्लस वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 2
वाई। अब यहां पे हम वाई का, तो देखिए कितने जो एक्सप्रेशन ओरिजिनल था वो ये था, ठीक। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है और हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो पहले हम ये कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लें। जब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर कहीं पे बीच में सिंप्लीफिकेशन के बीच में हमें लग रहा है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से एक्सप्रेशन जो है, जहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन के बीच में, वहां पर भी हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे इसमें इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे तो यहां पे वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिला, 1 मिला था। तो इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया था। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था वो सिंप्लीफाई हो गया। बस हमने एक जगह पर एक्स और वाई का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। तो 2y, नाउ y इज इक्वल टू क्यूब रूट 27, दैट इज 2 इंटू क्यूब रूट 27। एंड 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 इज किसी का परफेक्ट क्यूब है, 27, 27 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। तो 2 इंटू क्यूब रूट 3 एंड 3 रेज टू द पावर 3। तो अगेन यहां पे 3 का पावर 3 है और यहां पे पावर क्या है, क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3। तो इट विल बिकम 3 रेज टू द पावर 1, 1/3, सॉरी इसको इस तरीके से लिख लें, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, और क्यूब रूट को क्या लिखा जा सकता है, 1/3। तो अगेन अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3, और ये जो पावर में है 3 इंटू 1/3, दिस विल गिव 1। तो फाइनल आंसर इज 2 इंटू 3 विच इज 6, ठीक। तो क्या याद रखना है, जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक, और उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल के जो वैल्यू हम डालेंगे, ठीक है, वो भी हमें गिवन है, तो पहले वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना आसान है। सोचिए अगर मैं यहां पे ये एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता, तो वाई का वैल्यू तो 3 है तो वो इसको सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत नहीं था, बट एक्स 28 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जिसके कारण ये एक इरेशनल नंबर है, ये तो एक रेशनल नंबर है। तो देयर फोर यहां पर एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने कर कर सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता, तो इसीलिए पहले हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और तब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमें वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्टली हम यहां सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे मतलब छोटा बनाएंगे, और जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तब हम इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के पहले जो हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो यहां पे एक्स का जो पावर है वो डिफरेंट है, यहाँ पे x का पावर 1/3 है, हियर x रेस टू द पावर -1/3, यहाँ पे x रेस टू द पावर 2/3 है, और यहाँ x रेस टू द पावर -2/3। ये चार जगह वेरिएबल दिख रहा है और यहाँ पे 1 है, ठीक। देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x रेस टू द पावर 1/3 प्लस x रेस टू द पावर 1 -1/3। एक्स का एक पावर यहां पे है 1/3 और एक पावर है -1/3, और यहां पे जो एक्स का पावर 2/3 है, अगर हम ध्यान दें तो 1/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका पावर और इसका पावर में एक रिलेशन है, ये यहां पर जो एक्स का पावर है इट इज 2 टाइम्स 1/3। सिमिलरली यहां पे एक्स का पावर क्या है, -1/3, और यहां पे -2/3, मींस -1/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर मिलेगा, मतलब रिलेशन है इसमें कुछ, ठीक। सेकेंड ये 1 है, ठीक,
ये हमें दिक्कत देगा। तो पहले हम इस वन को सिंप्लीफाई करते हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि वन को भी हम x के टर्म्स में लिखें। तो वो इस तरीके से कि x रेस टू, यहां जो दोनों पावर है, x रेस टू द पावर 1/3 और x रेस टू द पावर -1/3, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलता है, बेसेज सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों जगह बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट्स विल गेट एडेड। यहां पे एक्सपोनेंट 1/3 है, -1/3 है, दे विल गेट एडेड, दिस विल गिव -1/3, 1/3 एंड -1/3 इट इज जीरो, एक्स रेस टू द पावर जीरो। अब x का वैल्यू जीरो है क्या, x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो x का वैल्यू अगर 3 है तो दिस मीन्स x रेस टू द पावर 0 इज 3। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर यहां जो x है जिसका पावर, किसी भी रियल नंबर का अगर पावर 0 है तो वो 1 होता है, तो यहां पे x का वैल्यू क्या है, 3, तो 3 रेस टू द पावर 0 विल बी 1। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 होता तो यहां हम 1 नहीं लिख सकते थे, 0 रेस टू द पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ये हमने पिछले वीडियो, लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो वी कैन राइट, यहां पे हमें क्या मिला, यहां पे हमें ये चीज मिला, दैट इज कि 1 की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, हमने 1 को कोशिश किया कि 1 को भी हम वेरिएबल के टर्म्स में लिखना चाह रहे थे, x के टर्म्स में, तो हमें 1 का वैल्यू भी मिल गया, वी कैन राइट x रेस टू द पावर 1/3 इंटू x रेस टू द पावर -1/3 इन प्लेस ऑफ 1। यहां पे एक और काम करेंगे, जो ये ब्रैकेट में है, जो छोटा पावर है, जैसे x का पावर 1/3 था और इसके पावर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा था, सिमिलरली x का पावर -1/3 है, इसके पावर को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, इसके पावर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तब मुझे ये मिल रहा था। जो छोटे पावर्स हैं ये दोनों डिफरेंट है, दिस इज 1/3 और यहां पे -1/3, तो हम x का पावर 1/3 को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे और x रेस टू द पावर -1/3 को भी एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, दैट इज लेट x रेस टू द पावर 1/3 बी a एंड x रेस टू द पावर -1/3 बी b। मतलब हम इसकी जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसकी जगह पे b, x रेस टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो क्या मिलेगा, x रेस टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 2 एंड a टू द, हमने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायरिंग किया, तो ये 2 और ये 1/3 दोनों मल्टीप्लाई होगा, x रेस टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पे हम ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिमिलरली x रेस टू द पावर -1/3 इज b, x रेस टू द पावर -1/3 इज b, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x रेस टू द पावर -2/3 इज b स्क्वायर। यहां पे हम b स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नाउ 1 x रेस टू द पावर 1/3 इंटू x रेस टू द पावर -1/3 इज इक्वल टू 1, ये हमें मिला है, x raised to the power 1/3 is a and x raised to the power -1/3 is b, a into b is equal to 1। ये सारे substitutions हम यहां पे अब करेंगे, ठीक, तो हमारा जो expression है, जो original expression है, वो हम अब a और b के terms में लिखेंगे, x raised to the power 1/3 means a plus x raised to the power -1/3 means b, x रेस टू द पावर 2/3 a स्क्वायर, x रेस टू द पावर -2/3 इज b स्क्वायर एंड 1 इज a इनटू b -ab। नाउ ये क्या है, ध्यान से देखिए, दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक, this is equal to a cube plus b cube,
ठीक है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल गया, हमारा सिंप्लीफाई हो गया है, जो इतना बड़ा था, यूं बोले आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो इतना बड़ा दिख रहा था वो ये छोटा हो गया। तो ए इज वॉट, ए इज एक्स रेस टू द पावर 1/3। बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा ओरिजिनल जो वैल्यू है एक्स का गिवन है, ए का तो वैल्यू गिवन नहीं है, बी का वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब हम वापस से ए और बी को जो वैल्यू हमने अज्यूम किया था वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1/3, और यहां ए का क्यूब है तो इसका क्यूब, प्लस बी इज वॉट, बी इज एक्स रेस टू द पावर -1/3, एक्स रेस टू द पावर -1/3 होल टू द पावर 3। और दिस इज 1/3 इंटू 3 प्लस -1/3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर -1। नाउ एक्स रेस टू द पावर -1 इज 1/x। ये हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर मुझे ये जो x है इसका पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, निगेटिव इंटीजर, मुझे इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है, निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो इसको एक्सपोनेंट को पूरे, सॉरी एक्सपोनेंट नहीं, इस पूरे टर्म को हम डिनोमिनेटर में, या यूं बोलो यहां पर हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। जो पावर को अगर हम माइनस से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव करना चाहते हैं तो जो बेस है उसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो बेस इज 1/x, x था तो 1/x हो गया, और पावर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पावर प्लस 1 बना है तो प्लस 1 हम लिखते नहीं है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, x इज व्हाट 3, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू क्वेश्चन में 3 गिवन, 3 प्लस 1/3, दिस विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/3 इज द फाइनल आंसर। तो इस एक्सप्रेशन में हमने इसको सिंप्लीफाई भी किया, बट सिंप्लीफाई करने के पहले हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस किए, हमने कुछ अजम्पशंस किए ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए, एंड देन हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 10/3। तो हमेशा ही जब किसी भी क्वेश्चन में एक्सप्रेशन देकर और उसका वेरिएबल का वैल्यू, एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज है उसके वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने से आंसर आ जाता है, बट वी विल ट्राई कि पहले हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद सब्स्टिट्यूट करें द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज given in the question. Now this question is, if 25 raised to the power x minus 1 is equal to 5 raised to the power 2x minus 1 minus 100, ये एक equation given है और इस equation के help से हमें x का value find करना है, we have to find the value of x. So first of all, सबसे पहले last video में भी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो बेस है अगर उसका पावर वेरिएबल है, ये याद रखना है, अगर बेस है और उसका पावर वेरिएबल है, ठीक, तो बेस, इफ बेस इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इस बेस को का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो मिलता है वो लिखेंगे, ठीक। तो 25 रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस 100, तो 25 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, ये 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 5 व्हिच इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 25 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 2, और इस पूरे का पावर कितना है, x माइनस 1, 25 का पावर या एक्सपोनेंट x माइनस 1, दिस इज फाइव रेज टू द पावर, अगर टू मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों, इस में दो टर्म है तो टू विल मल्टीप्लाई विद बोथ द टर्म, 2x-2, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई ऐसा बेस है जिसका पावर वेरिएबल है तो उस बेस को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक। नेक्स्ट
पावर जो है दोनों जगह पाइप का जो एक्सपोनेंट है 2x-2, 2x-1, तो एक्सपोनेंट में दो दो टर्म है, ठीक। तो इसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5 raised to the power 2x-2 is 2x into 5 raised to the power -2। हमने यहां पे इस प्रॉपर्टी का यूज किया, x raised to the power m plus n, दिस इज इक्वल टू x raised to the power m into x raised to the power n, और x raised to the power m minus n, दिस इज इक्वल टू x raised to the power m into x raised to the power -n। हमने नीचे वाले का यूज किया, यहाँ पे 5 raised to the power 2x-2 एक्सपोनेंट जो है उसको हमने अब सेपरेट कर लिया, नाउ 5 का एक्सपोनेंट सिर्फ 2x है। सिमिलरली यहां पर भी 5 raised to the power 2x into 5 raised to the power -1, ठीक। नाउ 5 raised to the power -2, अगर इसके पावर को मुझे पॉजिटिव बनाना है तो जो बेस है माइनस टू का बेस क्या है, माइनस टू इज एक्सपोनेंट, बेस है 5, तो इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, तो 5 का रेसिप्रोकल इज 1/5, 5 raised to the power 2x into 1/5, और जो पावर है माइनस टू, जो एक्सपोनेंट है माइनस टू, अब उसके साइन को चेंज कर देंगे, इट विल बिकम 2, हियर 5 raised to the power 2x into 1/5 -100, ठीक। ना ये जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म को यहां लेके आ जाओ, क्यों, बिकॉज इस टर्म में वेरिएबल है, यहां वेरिएबल है 5 raised to the power 2x, 5 raised to the power 2x, दिस इज 25, 5 raised to the power 2x upon 25 माइनस 5 raised to the power 2x upon 5, और इस टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो इसका साइन जो है प्लस है, इट विल बिकम माइनस, दिस इज इक्वल टू -100, इधर क्या बच गया -100। नाउ 5 raised to the power 2x को अगर कॉमन ले लें, ठीक, तो इस टर्म में यहां से अगर मैं 5 raised to the power 2x को कॉमन लेता हूं तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 25 बचा और न्यूमरेटर में 1 माइनस, सिमिलरली यहां पे न्यूमरेटर में 1/5, दिस इज इक्वल टू -100। अब तो सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम 25 और 5 तो 5, 1 - 5, दिस इज -4, 5 raised to the power 2x -4/25, नाउ 5 raised to the power 2x के साथ ये ब्रैकेट जो है दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो मैं इसको अगर उधर ले जाऊं LHS से RHS में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 25 by -4, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा बट रेसिप्रोकल 25 by -4, ठीक। यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा था बट यहां पे 5 raised to the power 2x के साथ -4/25, जब मैंने इस टर्म को उधर शिफ्ट किया तो उधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है बट रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक। नाउ ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज 25, 5 raised to the power 2x इज 25 into 25, दिस इज 625। अब अगर मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां पे 625 को कुछ इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है, ताकि बेस एंड एक्सपोनेंट के टर्म में लिखना होगा, x raised to the power m के टर्म्स में, ताकि हमारा जो बेस है वो 5 हो, अगर बेस 5 हो जाएगा इधर भी तो वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट्स। ये जो चीज है इसको अब हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, 5 raised to the power 2x and 625 is 5 raised to the power 4, 5 raised to the power 4, 625 25 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, therefore we will get 5 raised to the power 4। now bases same हो गए, then we can equate the exponent, हम exponent को तभी equate कर सकते हैं जब LHS और RHS में base
सेम हो, दोनों जगह बेस क्या है 5, तो देयरफॉर इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स वी गेट 2x इज इक्वल टू 4 4 अपॉन 2। We have to find the value of x and x is 2. This is the answer. Next question is, this is an equation और इस equation के help से हमें x का value find out करना है. Solve for x means we have to find the value of x. Now again यहाँ पर variable जहाँ जहाँ पे first of all we will check the variable जो एक्सपोनेंट हैं, जो वेरिएबल हैं, उनका बेस क्या है. तो इसका बेस 2 है विच इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे वेरिएबल है इसका भी बेस 2 है विच इज अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे बेस को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, बेस इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर. 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस, नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पावर है x प्लस 2 को, इसको हम इस तरीके से 2 रेस टू द पावर x इंटू 2 रेस टू द पावर 2 ये लिख सकते हैं, सेम चीज है, प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0. नाउ 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 ना, यहाँ पे हमें दो टर्म ऐसे मिले हैं जिसमें 2 रेस टू द पावर x है, मतलब वो वेरिएबल टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक. इन दोनों टर्म में 2 रेस टू द पावर x है, तो अगर मैं 2 रेस टू द पावर x कॉमन ले लूं दोनों टर्म से, तो यहां पे क्या बचेगा, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो 3, और यहां पे इसको अगर कॉमन ले लें तो 4 विथ निगेटिव साइन, माइनस 4, और ये कांस्टेंट है 3 एंड 5, दे विल गेट एडेड विच इज 8, 3 प्लस 5 इज 8, 2 रेज टू द पावर x, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, एंड दिस इज, अगर इस 8 को उधर लेके जाए तो इट विल बिकम माइनस 8. नाउ माइनस 1 से डिवाइड कर लें दोनों तरफ, यूं इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इस माइनस साइन को उधर लेके जाए. तो ये जाता कैसे है, एक्चुअली हम माइनस से डिवाइड करते हैं माइनस 1 से, माइनस 1 यहां भी हमने माइनस 1 डिवाइड किया एलएचएस में भी और आरएचएस में, माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 दिस विल बी 1, और यहां पे ये साइन प्लस हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिला, 2 रेज टू द पावर x दिस इज इक्वल टू 8. 2 raised to the power x is, again, अगर मुझे x का वैल्यू खोजना है तो 8 को भी हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा बेस एंड एक्सपोनेंट के टर्म में, ताकि बेस जो है वो 2 हो, देन ओनली वी कैन कंपेयर द एक्सपोनेंट्स. तो 8 इज 2 raised to the power 3. नाउ अगर हम बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को अगर इक्वेट करें तो x इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ x इज. Now in this question, it is given that a raised to the power x, this is equal to b raised to the power y, it is equal to c, and c raised to the power z is equal to a. And we have to prove that product of x, y, z is equal to 1. X into y into z is equal to 1. a raised to the power x is equal to b, ठीक है, इसका मतलब मैं b की जगह पे अगर मुझे कहीं b दिखे तो we can put या substitute a raised to the power x. तो second जो equation है यहाँ b raised to the power y है, तो b raised to the power y is equal to c, तो we can put यहाँ पर b का value हम a raised to the power x substitute कर दें, और इसका power क्या है y, हमने इसमें b raised to the power y में b का वैल्यू a raised to the power x सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज इक्वल टू c. तो जैसे ही ब्रैकेटों को ओपन करेंगे
ए रेस टू द पावर क्या मिलेगा, एक्स वाई, पावर्स मल्टीप्लाई हो गए, दिस इज इक्वल टू सी। जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये एक्सपोनेंट्स क्या है, मल्टीप्लाई है, ए रेस टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एंड लास्ट इज सी रेस टू द पावर जेड इज ए, सी रेस टू द पावर जेड दिस इज इक्वल टू ए, मीन्स वी कैन सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ ए सी रेस टू द पावर जेड। तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है ए रेस टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू सी, यहां पे मैं ए को रिप्लेस कर सकता हूं विथ सी रेस टू द पावर जेड, ए रेस टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाई दैट सी रेस टू द पावर जेड होल रेस टू द पावर एक्स वाई दिस इज इक्वल टू सी। नाउ दिस विल बिकम सी रेस टू द पावर, मल्टीप्लाई कर लें एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू सी। नाउ अगर बेसिस सेम है तो वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट, तो यहां पे बेस सी है और यहां भी बेस सी है, इसका एक्सपोनेंट क्या है एक्स वाई जेड, और इसका एक्सपोनेंट अगर एक्सपोनेंट कुछ नहीं दिख रहा है देन इट इज वन। ठीक, बेसिस सेम है तो वी विल इक्वेट द एक्सपोनेंट एंड दिस इज इक्वल टू वन, हेंस ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री रेस टू द पावर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व रेस टू द पावर जेड, देन वी हैव टू प्रूव दिस, वन बाय जेड, वन अपॉन जेड इज इक्वल टू वन अपॉन वाई प्लस टू अपॉन एक्स। नाउ ये जो 12 है, क्या बोला था मैंने कि अगर किसी भी कोई भी ऐसा बेस एंड एक्सपोनेंट के टर्म में दिखे, ठीक, और बेस का पावर अगर जो एक्सपोनेंट है, बेस का जो एक्सपोनेंट है इफ इट इज वेरिएबल तो बेस का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, तो 12 कैन बी रिटन एज 12, दिस विल बी 2 स्क्वायर इनटू 3 रेज टू द पावर सेट। नाउ यहां पर बेस 2 है, यहां पे बेस 3 है, और ये इसमें बेस 2 भी है और 3 भी दोनों, ठीक। लेट अस अज्यूम ये जो दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू के, इसको हमने के अज्यूम कर लिया, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के एंड 3 raised to the power y is equal to k, 2 raised to the power x is equal to k। अब अगर मुझे यहां से 2 का वैल्यू खोजना है बिकॉज यहां पे 2 है, ठीक, और यहां पे क्या है 3, तो 2 का वैल्यू खोजने के लिए हम दोनों तरफ एक्सेट रूट ले लेंगे, टेकिंग एक्सेट रूट बोथ साइड, एक्सेथ रूट का मतलब हुआ पावर, यहां जो पावर एक्स है इस होल का पावर हम लेना चाह रहे हैं, इस होल का एक्सपोनेंट वन अपॉन एक्स, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, एक्सेथ मींस हम पावर क्या ले रहे हैं, एक्सपोनेंट को ले रहे हैं वन अपॉन एक्स, टू रेज टू द पावर एक्स होल रेज टू द पावर वन अपॉन एक्स एंड दिस इज वन अपॉन एक्स, ठीक। ये x और 1 अपॉन x मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिला 2 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1 अपॉन x। नाउ यहां पे एक हम शॉर्टकट भी देख सकते हैं कि ये तो तरीका हुआ कि कैसे हम यहां से यहां पहुंचेंगे, शॉर्टकट इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यहां पे 2 का पावर क्या है x, अगर मैं इस पावर को उधर लेना चाह रहा हूं इधर LHS से RHS में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, पावर को एक्सपोनेंट को हम LHS से RHS में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो जो भी एक्सपोनेंट है उसका रेसिप्रोकल कर देना है RHS में ले जाके, यहां पे एक्सपोनेंट x था, जब ये RHS में k पर, जब हमने k पर शिफ्ट किया इस एक्सपोनेंट को तो क्या हो गया 1 अपॉन x।
वन अपॉन एक्स। तो इसको एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं हम आगे के क्वेश्चंस में, इतना ये जो स्टेप है इसको करेंगे। इसको कैसे ये आया ये यहां पे हमने समझा, नेक्स्ट टाइम से वी कैन राइट डायरेक्टली, इसके बाद हम डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। नो नीड टू डू दिस अगेन एंड अगेन। ये हमने बस समझा कि किस तरीके से 2 raised to the power x is equal to k, इट कैन बी रिटन एज 2 is equal to k raised to the power 1 upon x। नेक्स्ट टाइम से हम इसका डायरेक्टली यूज करेंगे, ये स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो 3 raised to the power y is equal to k, तो अगर ये एक्सपोनेंट y अगर मैं RHS में शिफ्ट करूं तो क्या मिलेगा, 3 is equal to k raised to the power 1 upon y, ठीक। ये जो दो चीज मिला है इसका हम आगे फर्दर थर्ड इक्वेशन यहां से जो निकालेंगे उसमें यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन इज 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power z, इट इज इक्वल टू k, ठीक। 2 raised to the power 2, नॉट 2 इज व्हाट, k raised to the power 1 upon x एंड होल raised टू द पावर 2 इंटू 3, 3 इज k raised टू द पावर 1 upon y, और इस पूरे का पावर क्या है हमारा z है, दिस इज इक्वल टू k। नाउ ये जो चीज है जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 upon x और 2 विल गेट मल्टीप्लाइड, 1 upon x और 2 मल्टीप्लाई होगा, तो k raised टू द पावर 2 upon x इंटू k raised टू द पावर 1 upon all raised to the power z, this is equal to k। Now यहाँ पे अगर बेसिस सेम है, यहाँ पे बेसिस k है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर लेंगे इस तरीके से, k raised to the power 2 upon x plus 1 upon y, ठीक। और इस चीज का यूज करना है यहाँ पे, 2 raised to the power x is equal to k था, अगर मैं इस एक्सपोनेंट को LHS से RHS में शिफ्ट कर रहा हूं तो RHS में जाकर एक्सपोनेंट जो है x वो 1 upon x बन गया। तो सिमिलरली अगर मैं इस एक्सपोनेंट को जो इस ब्रैकेट पर है z, अगर मैं इसको उधर शिफ्ट करूं तो इट विल बिकम 1 upon z, ठीक। नाउ बेसिस सेम है, वेट द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को इक्वेट कर लो, क्या मिलेगा 2 upon x plus 1 upon y, this is equal to 1 upon z, 2 upon x plus 1 upon y, this is equal to 1 upon z, hence 2. हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इस पे करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स पे। पिछले क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करें, जिससे कि आपका जो इस चैप्टर पे जो कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है इसकी समझ जो है वो और इम्प्रूव कर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।